14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की अवमानना के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के विरोध में सजा देने का ऐलान किया, अर्थात दोषी डिक्लेयर किया और 20 तारीख को इस पर कितनी सजा दी जाएगी इसका ऐलान किया जाएगा, ऐसा घोषित किया। इस पर सारे देश भर में न्यायिक क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्र के बाहर जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों में बहुत बड़ा रोष व्याप्त हो गया है। यह बात बहुत गंभीर मानी जानी चाहिए। हम लोगों ने इस निर्णय के विरोध में जब 20 तारीख को सजा का ऐलान होगा तो उसके विरोध में सारे देश भर में 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में और 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांवों में इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय किया गया। मगर यह आंदोलन 20 तारीख को सजा का ऐलान करने के बाद किया जाएगा। इस निर्णय के बारे में जो 14 अगस्त को दिया गया न्यायपालिका के द्वारा, अरुण मिश्रा जी की जो पीठ है, 3 जज का जो बेंच है, उसने ये फैसला दिया। उस फैसले के बारे में हमारे मन में जो विरोध की भावना है उसकी वजह हम लोग बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, प्रशांत भूषण के द्वारा जो भ्रष्टाचार के सबूत न्यायपालिका में पूर्व के जजेस के बारे में दिए गए हैं, उसके बारे में किसी प्रकार की कार्रवाई ना करना बहुत गंभीर मामला है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, इसलिए इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है, 14 अगस्त को यह निर्णय देते वक्त आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट पिटीशन पर फैसला किया जाना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं किया गया है, ऐसा दिखाई देता है। और ऐसी बातें न्यायपालिका के भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी व्यक्त की है। इसलिए ये और ज्यादा गंभीर मामला बन जाता है। जिस जज पर खुद प्रशांत भूषण ने आरोप लगाए थे, उस जज को उस पीठ का हेड बनाया जाना
यह सिद्ध करता है कि इस पर पहले से निर्धारित किया गया है और वो पहले से निर्धारित की हुई बात को निर्णय करने के लिए उस जज को उस पैनल का हेड बनाया गया, ऐसा उससे अर्थ निकलता है। जिस जज को उस पैनल का हेड बनाया गया था उसको उस पैनल का हेड नहीं बनाया जाना चाहिए था। यदि बनाया गया तो खुद उस जज ने इनकार कर देना चाहिए था कि मेरे ऊपर जिनके ऊपर आरोप है उनके द्वारा मेरे ऊपर पहले आरोप किए गए हैं, इसलिए मैं खुद इस पैनल से हट जाता हूं। ऐसा निर्णय पैनल के हेड जज को खुद करना चाहिए था। और यदि पैनल के हेड जज ने ऐसा निर्णय नहीं किया तो चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप होने के बावजूद भी रोस्टर डिसाइड करने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास होता है, इसलिए उस जज को हेड पैनल का हेड बनाया गया, उसको हटाने का काम चीफ जस्टिस कर सकते थे ताकि न्याय निर्णय निर्दोष तरीके से हो सके। तो चीफ जस्टिस ने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया जाना चाहिए था, ये भी गलत काम किया गया। बहुत सारे और भी कारण बताए जा सकते हैं मगर हम इतनी ही बात कहना चाहते हैं। और 20 तारीख को जब जजमेंट आएगा तो इसके विरोध में हम लोग सारे देश भर में इसके विरोध में आंदोलन करेंगे और आवश्यकता हुई तो जेल भरो आंदोलन करने का भी ऐलान करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और अपनी बात यही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।